रीवा के शिल्पी प्लाजा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित विभिन्न टीमों ने अपना दमखम दिखाया। मटकी की ऊंचाई 28 फीट रखी गई और पहला पुरस्कार 11,000 रखा गया था और दूसरा 5100। इस दौरान सभी टीमों ने कड़ा संघर्ष किया, हालांकि लगातार कई विफलताओं के बाद अपनी टीम को सफलता मिली और विनर बनने के साथ ही टीम को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दरअसल मटकी की हाइट 28 फीट से घटाकर 18 फीट की गई, तब मटकी फोड़ने में सफलता मिली। 2006 से शिल्पी प्लाजा में यह आयोजन निरंतर चल रहा है। इस दौरान एक युवक मटकी फोड़ने के दौरान गिरने से घायल भी हो गया। इसके बाद भी युवाओं का जोश कम नहीं हुआ और करीब 3 घंटे तक चली प्रतियोगिता का अंत मटकी फोड़ने के साथ हो गया। इस दौरान उपस्थित जन सैलाब तालियां बजाकर उत्साह वर्धन करती रही। ये शिल्पी मटकी फोड़ प्रतियोगिता ये कई वर्षों से यहाँ हो रही है। जब शिल्पी प्लाजा बना था तो 2006 से इसकी शुरुआत की गई थी। जब 2004 में कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हुआ था, 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी और तब से ये निरंतर हो रही है कोविड ईयर्स को छोड़ के। और शिल्पी मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है, इसमें हमारे शहर से आए हुए तमाम युवा साथी अलग अलग क्लब बना के और अलग अलग टीम बना के इसमें हिस्सा लेते हैं और ये आयोजन कब के चलता है, हमेशा ये 4 घंटे चलता है और इस बार फिर उसी तरीके से आयोजन है। रीवा का एक लोकप्रिय आयोजन है और इस बार अपना क्लब जो बांसघाट का एक क्लब है जो विगत 2-3 बार से जीत रहा है, उसी ने फिर से मटकी तोड़ी। पहली बार हमने 30 फीट हाइट पर लगाई थी, 28 फीट पर उसको कोई भी टीम नहीं तोड़ पाई। फिर उसकी ऊंचाई घटा के 18 फीट की गई और 18 फीट में अपना क्लब ने इस मटकी को तोड़ा। और मैं जितने प्रतिभागी यहाँ हिस्सा ले रहे हैं सभी टीमों को हम लोग कोई ना कोई पुरस्कार यहाँ देते हैं। 4 टीमों ने हिस्सा लिया है, 4ों को कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा।